हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं होटल सेक्टर के ऊपर। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, कोविड में काफ़ी मार पड़ी लेकिन अभी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है एंड मतलब ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं और रिकवर भी कर लिया है कोविड के जो लॉसेज वगैरह हैं, मतलब जो ओवरऑल, तो वो भी दिखाऊंगा। बट मेजरली 5 कंपनीज प्लस 1 6 कंपनीज मान सकते हैं जो इस सेक्टर में इंडिया में लिस्टेड हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं उनको एक कंपैरिजन करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सारा डिफरेंट भी है काफ़ी सारी कंपनीज का, तो वो भी थोड़ा समझेंगे कि क्या किसका कैसा बिजनेस मॉडल है। अलग अलग तरह से पैसा कमाते हैं ये सेक्टर, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर तो है ही, राइट, बट उसमें भी बहुत डिफरेंट बिजनेस मॉडल ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली इन सब कंपनीज का बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे हम इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो कंपेयर देयर फाइनेंशियल्स, राइट, थोड़ा बहुत सब चीज़ें इनका कंपैरिजन 5 6 कंपनीज का करने की कोशिश करेंगे और कुछ कंपैरिजन हम ग्लोबल प्लेयर जो इंडिया में है होटल इंडस्ट्री में उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो है होटल सेक्टर में, तो प्लीज़ साथ रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, ठीक है। और अभी तक अगर आपने investindia.in वेबसाइट को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे वी हैव क्रिएटेड वेरी वेरी नाइस गुड पोर्टफोलियो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोअर रिस्क है एज कम्पेयर टू मार्केट्स एंड परफॉर्मेंस इज आई थिंक बेटर। तो ओवरऑल ज़रूर आप देखिए एंड देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स ऑल्सो गोइंग ऑन, तो आप ऑफर पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू दोज पोर्टफोलियोज एज वेल। तो होटल सेक्टर जो है वो सबसे पहले मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ कि वो कैसा रहा, राइट। अगर मैंने 5 साल का चार्ट शेयर किया तो बेसिकली एज अ सेट कि 5 कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि प्योर प्ले होटल है एंड देन वन इज़ ITC। तो ITC यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि ITC का बहुत छोटा रेवेन्यू होटल से आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडल डिस्कस करेंगे। बट ITC ओवरऑल स्टॉक के हिसाब से आई थिंक होटल में नहीं डाल सकते हैं ना, तो इसीलिए 5 जो मोर प्योर प्ले होटल सेक्टर कंपनीज हैं, महिंद्रा हॉलीडेज, EIH जो कि ओबराय कंपनी है, इंडियन होटल्स, ताज, शैले होटल्स एंड लेमन ट्री, तो ये 5 बेसिकली कंपनीज हैं। और इसका कैसा रहा, तो अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स तो मेजरली जो दिए हैं वो इंडियन होटल्स, जो कि ये ब्लू वाला सबसे ऊपर वाला जो है डार्क ब्लू, उसी ने मेजरली रिटर्न दिए, 138% रिटर्न दिए 5 साल में, विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट स्टिल, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ताज होटल जो है सेक्टर, मतलब इसमें रिटर्न्स दिए, बाकी सारी जो कंपनीज हैं उनके रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो हैं लास्ट 5 ईयर्स में हैव बीन लेस देन 50%, नॉट मच रिटर्न्स हैव बीन गिवन बाय देम इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और ऑफकोर्स उनकी जो प्रॉब्लम आई वो कोविड में, एंड यू कैन सी द बिग हिट जब वो कोविड लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा सेक्टर बैठ गया, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक उसको रिकवर करने में 1 से 1.5 साल लग गया और उसमें इनका डेट वगैरह भी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। बट अब जो है लास्ट आई थिंक 6 to 8 मंथ्स में दिस सेक्टर हैज़ स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, नंबर्स वाइज जो नंबर्स आ रहे हैं और जो पूरा ओवरऑल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ओपन नाउ, तो इट इज़ मोस्टली जो कोविड के ब्लूज थे या कोविड की जो प्रॉब्लम्स हैं दे हैव लेफ्ट बिहाइंड एंड नंबर्स अब अच्छे आने लग गए हैं, प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ठीक है, तो वो सब हुआ है। तो ओवरऑल सबसे बड़ी कंपनी भी होटल इंडस्ट्री में इंडिया में ताज होटल्स ही है, विच इज़ अराउंड 45,000 करोड़ मार्केट कैप, काइंड ऑफ ए लार्ज कैप कंपनी है। बाकी सब या तो स्मॉल एंड मिड कैप में ही, स्मॉल कैप ही है, EIH हो गया, एज आई सेड ओबराय है, EIH, शैले होटल्स, महिंद्रा होटल और ये सब कंपनीज हैं। मोस्टली सभी हाई पीज पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि अभी भी अर्निंग्स मेरे को लगता है लास्ट, अगर 4 क्वार्टर में देखें, लास्ट ईयर भी जो है वो कम्प्लीटली कोविड से कम्प्लीटली अलग नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जनवरी फरवरी में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इशू हुआ था 2022 में, तो वो भी अभी तक है। तो नंबर्स वाइज अभी भी जो अगर हम 1 साल का नंबर देखें तो अभी भी वो कोविड इम्पैक्ट है और उसकी वजह से पीस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो 100% रिकवरी है आई डोंट थिंक सो, ठीक है, वो अभी भी धीरे धीरे चीज़ें से इम्प्रूव हो रही हैं। डेट 2 कंपनीज का काफ़ी, मतलब शैले का काफ़ी ज़्यादा है ओवरऑल डेट, और लेमन ट्री ये तो क्या कहते हैं कंसोलिडेटेड नंबर है बट स्टैंड अलोन में लेमन ट्री का भी अच्छा खासा डेट है। इंडियन होटल्स एंड महिंद्रा हॉलीडेज
का महिंद्रा हॉलीडेज का भी डेट है हाई. तो ऑब्वियसली डेट उन्होंने जो भी बढ़ाया है, अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगे यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी द डेट टू इक्विटी रेशियो का ट्रेंड, ठीक है, तो मोस्टली सबका ट्रेंड बढ़ा था बिकॉज ऑफ कोविड. तो काफ़ी सब डेट लिया था एंड दे कुड सस्टेन बिकॉज ऑफ डेट, तो वो डेट एंड नाउ आई थिंक आई एम श्योर दे विल स्टार्ट रीपेइंग दोस. तो वैसा रहा, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं सबके, ठीक है. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एज आई सेड कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पर हमें वो नंबर में पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स आप देखोगे तो सभी कंपनीज की काफ़ी अच्छी है, राइट. इंडियन होटल 19% FII होल्डिंग है, 27% ऑलमोस्ट DII होल्डिंग है. EIH जो कि एक छोटी कंपनी है उसमें भी 14% DII होल्डिंग है. शैले में 22% DII होल्डिंग है. महिंद्रा हॉलीडेज में भी 8% है एंड लेमन ट्री में भी 10-12% है और यहाँ पर FII की भी 27% की होल्डिंग है. तो मतलब क्लियरली इंस्टीट्यूशन को ये वाला सेक्टर पसंद है, इवन दो स्मॉल कंपनीज हैं और मतलब इश्यूज रहे हैं उनके कोविड से, बट इंस्टीट्यूशंस हैव लाइक्ड इट, ठीक है. तो इस तरह से हम ये मेजर कंपैरिजन करते हैं. अब हम समझते हैं ओवरऑल बिजनेस मॉडल को, ठीक है. तो फर्स्ट हमें समझना है इंडियन होटल्स, राइट, विच इज द बिगेस्ट एज आई सेड कंपनी. तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उनका किस थॉट प्रोसेस से कैसे है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं. तो ताज उनका ब्रांड है जिसकी 95 होटल्स हैं, 14,000 से ज़्यादा रूम्स हैं उनके पास. विवांता उनका एक ब्रांड है, 41 सिलेक्शन करके उनका एक ब्रांड है, उसके 31 होटल्स हैं. और जिंजर, ये चार उनके होटल्स हैं और इतने इतने रूम्स हैं, इतनी इतनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. उसके अलावा इनका एक चेंबर्स करके एक्सक्लूसिव क्लब्स भी हैं, ताज स्पाज हैं जो होटल्स के अंदर चलाते हैं, वो अलग से पैसे कमाते हैं. सलोन्स हैं जो ये होटल्स के अंदर चलाते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं. इन फ्लाइट केटरिंग है ताज सैट्स, फ्लाइट्स के अंदर जो केटरिंग हो रही है उससे भी पैसा कमाते हैं. F&B फूड एंड बेवरेजेस विद इन द होटल एंड बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर भी है. खजाना करके इनके मोमेंटोज बनाते हैं ये, तो कितना अलग अलग तरह से बिजनेस है, राइट. क्योंकि ये दे नो कि दे आर ए मोर प्रीमियम, राइट. ताज इज अ वेरी प्रीमियम होटल चेन, तो दे नो कि भाई इतने प्रीमियम लोग आते हैं, दे विल बाय दोज थिंग्स एज वेल, राइट. फिर दे हैव एमा स्टेज एंड ट्रेल, राइट. तो प्राइवेट बंगलोज एंड विलाज की भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, 108 प्रॉपर्टीज जो एमा के नाम से हैं. एंड दे ऑल्सो हैव ए डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्यूमिन शॉप करके, विच आई थिंक दे फॉर्म्ड इन कोविड टाइम, जो मल्टी कुजीन मेन्यूज के डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को. तो इंटरेस्टिंग है ना, तो कितना डिफरेंट एक डाइवर्स बिजनेस मॉडल है. आप बोलने को लो होटल है कि यार मैं रूम है मैंने बुक किया उससे इन्होंने पैसा कमाया, पर वैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. तो उसमें हमें F&B में भी अभी और देखें तो कहाँ से आ रहा है, राइट. रूम एंड रेंट से 80% पैसा तो रूम, रेस्टोरेंट और बैंकवेट की इनकम है. जो रेस्टोरेंट है इनसाइड द होटल रूम, और उसके अलावा भी देखो आप सब चीज़ें हैं इसमें, राइट. मेंबरशिप फीस है, तो मेंबर बनने हो आप ताज के तो उसकी भी 4% से पैसा आ रहा है. मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस है, ठीक है. तो बाकी और ऑपरेटिंग इनकम है, तो सब चीज़ों से थोड़ा दे अर्न मनी एंड दैट्स हाउ देयर ओवरऑल अर्निंग इज, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे शैले होटल्स, जो कि इफ़ यू विल सी मतलब उनका क्या थॉट है कि दे मेक होटल्स और फिर वो ब्रांड ले लेते हैं मैरियट से, वेस्टिन वगैरह से, इन सब से, ठीक है. तो उनके ब्रांड से मतलब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली ले लेते हैं. तो दे क्रिएट द होटल, दे ओन द होटल एंड देन दे विल रीच आउट टू सपोज मैरियट एंड दे विल से कि यार चलो मेरे को अपना ब्रांड दे दो, मैं तुम्हारे ब्रांड से चलाऊंगा एंड वी विल शेयर सम कॉस्ट. तो दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ दे वर्क. तो इनकी एसोसिएशन है JW मैरियट के साथ, द वेस्टिन के साथ, मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स, मैरियट, फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन, नोवोटेल. तो ये सब इतने होटल्स हैं इनके. एक JW मैरियट का इनका होटल है जिसके 588 रूम्स हैं इसमें. वेस्टिन है इनके पास दो जो ये मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं है वेस्टिन दो ही हैं इंडिया में, वेस्टिन और भी हैं, JW मैरियट एक ही नहीं है. ये JW मैरियट का एक होटल मैनेज करते हैं, वेस्टिन का एक करते हैं, नोवोटेल का एक करते हैं, लेक साइड शैले होटल का करते हैं. तो इस तरह से दे आर लिटिल डिफरेंट. तो ये काफ़ी डिफरेंट मॉडल है. तो दे डोंट हैव देयर ओन ब्रांड, ठीक है. तो ये जैसे ताज का खुद का ब्रांड है, जिंजर खुद का ब्रांड है, ये यहाँ नहीं है. शैले होटल्स का खुद का ब्रांड नहीं है, ये दूसरे का ब्रांड यूज़ करते हैं. दे मैनेज द होल होटल एंड एवरीथिंग, दे क्रिएट द होल होटल, इन्वेस्ट करते हैं, होटल पूरा बनाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम अपना SOPs, ब्रांड एंड एवरीथिंग यू ब्रिंग हेयर, वी विल रन द होटल एंड वी विल शेयर द कॉस्ट. मतलब जो भी है आपका जो फीस है वी विल शेयर दैट विद यू. सो दैट्स हाउ दे अर्न, राइट. 54% पैसा रूम और बैंकेट से आता है, 39% फूड एंड बेवरेजेस से आता है और बाकी 7% जो है दूसरे से आता है. तो अच्छा खासा पैसा होटल्स का फूड एंड बेवरेजेस से आता है, उसका और भी डिटेल में बात करेंगे. दे ऑल्सो हैव सम कमर्शियल इन्वेंट्री.
तो साहर में, मुंबई में दे हैव सम इन्वेंट, तो कमर्शियल में भी स्पेसिस में भी दे डू वर्क. तो अपार्ट फ्रॉम होटल्स, शैले होटल एक ऐसी कंपनी है, दे हैव सम कमर्शियल स्पेस एज वेल, ठीक है, एंड वहाँ से भी दे अर्न रेंट. तो वो थोड़ा डिफरेंट मॉडल है अगेन, ठीक है, वेरी डिफरेंट वे दीज होटल्स आर. थर्ड जो है, अब हम EIH के बारे में बात करेंगे, जो कि ओबेरॉय का ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में बात करते हैं. तो ओबेरॉय, आई एम श्योर आपने काफ़ी सारे होटल्स को सुने होंगे, ओबेरॉय होटल्स, राइट. तो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के नाम से 12 प्रॉपर्टी हैं. ओबेरॉय होटल्स इंटरनेशनल, ट्राइडेंट होटल्स मुंबई में है ताज के पीछे, तो 10 होटल उसके नाम से भी है. एक मैदान होटल्स भी है, एक उनका क्रूजर होटल है उनके पास. तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी. 4000 के आसपास के रूम्स हैं टोटल, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है, ठीक है, जिसमें से 1500 रूम जो है वो ओबेरॉय ब्रांड के अंदर आते हैं और 2000 रूम्स जो हैं वो ट्राइडेंट ब्रांड के अंदर आते हैं, ठीक है. और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में भी वो काम करते हैं. रूम से उनका पैसा 44% आता है, फूड एंड बेवरेज 38%, अदर सर्विसेज 14%, सेल ऑफ प्रिंटेड मटेरियल 4%, राइट. तो ये खुद का ब्रांड है ओबेरॉय, सिमिलर मॉडल देन वॉट मेरे को लगता है कि हमने जो बात की थी इंडियन होटल्स की, आई ताज वाला सिमिलर है. प्रीमियम ऑब्वियसली अगेन 5-star होटल्स बनाते हैं, तो प्रीमियम सेगमेंट में ही मेजरली ऑपरेट करते हैं. बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंडियन होटल्स इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड, राइट. उनके तो मतलब स्पास भी हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मतलब हॉलीडे होम्स टाइप्स, वो भी सब चीज़ें हैं. बट इनका मेजरली दे आर इन टू होटल्स ओनली, 5-star होटल्स में ही दे बेसिकली वर्क. सो दैट्स हाउ डिफरेंशिएशन इज. लेमन ट्री एक मिड सेगमेंट प्रीमियम होटल्स है, ठीक है, नॉट एक प्योर 5-star लाइक होटल्स, ठीक है. तो अगेन अब खुद का ब्रांड क्रिएट किया हुआ है ओरिको, ओरिका करके, लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल, रेड फॉक्स, कीज बाय लेमन ट्री होटल, राइट. तो ये सब हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं इनके, 8000+ रूम्स हैं इनके पास, राइट. एंड बट ऑब्वियसली एज आई सेड, एंड 73% पैसा जो रूम से ही आता है, फूड एंड बेवरेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली ऑफिशियल वगैरह के पर्पसेस से ज़्यादा शायद यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफिस रिलेटेड, तो इसलिए फूड एंड बेवरेज से इतना पैसा नहीं आता है. एंड अदर ऑपरेटिंग, तो मोस्टली रूम एंड बैंक्वेट से ही इनका मेजरली पैसा आता है. एंड 85+ होटल्स इनके पास हैं, तो लेमन ट्री इज़ लाइक दैट. ITC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस कि ITC ऑल्सो हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. तो उनका ITC के नाम से, खुद के नाम से, राइट, होटल्स हैं जो ज़्यादा, 14 होटल्स हैं, 5-star, 4200 उनके क्या कहते हैं रूम्स हैं, सॉरी दिस इज़ रूम्स. एंड वेलकम होटल भी ITC का है, वेलकम नाम से 23 प्रॉपर्टीज़ हैं. फॉर्च्यून बाय ITC इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं ITC, 39 होटल्स हैं. वेलकम हेरिटेज करके इनके होटल्स हैं. तो ये ब्रांड से 10,000 से ज़्यादा रूम हैं इनके, 10,000 से ज़्यादा, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रूम्स दे वर्क. काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें, बट ITC सच अ बिग कंपनी की उसमें ये काफ़ी छोटा सेगमेंट आ जाता है. बट ओवरऑल दे हैव इंट्रोड्यूस 2 न्यू ब्रांड्स, मोमेंटोज एंड स्टोरी, इन द प्रीमियम सेगमेंट एज वेल, ठीक है. तो इस तरह से ITC होटल्स इज ऑल्सो प्रीटी बिग होटल चेन इन इंडिया, एंड दे आर क्लियरली फोकसिंग स्टिल ऑन इट. फिर लास्ट जो काफ़ी डिफरेंट है मॉडल है, वो है महिंद्रा हॉलीडेज. अगेन होटल चेन, बट बहुत डिफरेंट मॉडल से काम करते हैं. क्यों डिफरेंट मॉडल से काम करते हैं? वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस से काम करते हैं. आपको पता ही होगा क्लब महिंद्रा के बारे में. तो बेसिकली यू गो देयर एंड आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उनका, कि जो भी एक कॉस्ट है उसकी, एंड देन दे गिव यू रूम्स ऑन डिस्काउंट या ऑन फ्री, या जो भी है आप नंबर ऑफ रूम्स जो है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो बुक कर सकते हैं होटल को. तो काफ़ी सारे उसमें वो ऑप्शंस देते हैं, ठीक है. तो वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जैसे हमारा यज्ञागम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है, कि आपने मॉडल पोर्टफोलियो लिया और एक साल तक यूज़ किया, ठीक है. तो वैसा ही मतलब एग्जैक्टली नॉट दैट, बट तो वो वैसा मॉडल है उनका, ठीक है. तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनके मेंबर्स पे ज़्यादा फोकस है. उनकी अगर आप अर्निंग कॉल सुनेंगे उनका, तो वो मेंबर्स पे बहुत फोकस करते हैं, हमारे कितने मेंबर्स हैं, ठीक है. तो अगर देखेंगे आप, तो 2022 तक उनके जो हैं ओवरऑल फुल्ली पेड मेंबर्स जो हैं अराउंड 2.25 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन फीस पे करी हुई है, एंड दे आर इन्जॉइंग द बेनिफिट्स. एंड 40,000 ऐसे जिनकी EMI में फर्स्ट सब्सक्रिप्शन फीस चल रही है. तो महिंद्रा हॉलीडेज का सिंस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो उनके अच्छा खासा उनका रेवेन्यू जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस से आता है. 37% उनका रेवेन्यू जो है वो सब्सक्रिप्शन से आया है, राइट. और 18% रिजॉर्ट की इनकम है एक्चुअली, राइट. तो ये इस तरह से देयर मॉडल इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है. एंड दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया. बहुत डिफरेंट मॉडल है, एज आई सेड, इंडिया में उनके कुछ 4700 रूम्स हैं, एंड दे हैव एक सब्सिडरी इन फिनलैंड,
तो यूरोप में दे हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो कि वहाँ पे टाइम शेयर डेस्टिनेशंस हैं, हॉस्टल्स वगैरह इस टाइप से डेस्टिनेशंस हैं जहाँ, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू दे अर्न, ठीक है. एंड दे हैव लॉट ऑफ RCI नेटवर्क के साथ दे हैव लाइक पार्टनरशिप, जिसमें रिजॉर्ट्स, ग्लोबल रिजॉर्ट्स में उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक्सेस मिलता है. तो काफ़ी डिफरेंट मॉडल पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपको समझना है. अब इंडिया में होटल जो है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं करती, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी बाहर की कंपनीज काफ़ी स्ट्रांगली इंडिया को देखती हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, और बहुत सारी कंपनीज इसमें हैं. तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हैं मैरियट, ठीक है. मैरियट जो है वो काफ़ी सारे होटल्स हैं उनके, नंबर ऑफ़ कीज़ तो नहीं पता चलती है हमने को उनसे, बट नंबर ऑफ़ होटल्स पता चलते हैं. तो मैरियट, JW मैरियट के 10 होटल हैं, ये सब ब्रांड्स उनके हैं. JW मैरियट, रिट्ज़ कार्लटन, सेंट रेजिस, W होटल, फिर मैरियट ओनली, फिर शेरेटन, वेस्टिन, ला मेरिडियन, रेनेसा, कोर्टयार्ड, फोर पॉइंट, राइट, फेयरफील्ड, अलॉफ्ट, तो ये सब सुने होंगे आपने नाम अगर आप सिटीज़ में हैं, ठीक है. तो इतने सारे होटल्स इनके हैं, आप देखो तो नंबर ऑफ़ होटल्स अच्छे खासे मैरियट ने रखे हैं. सिमिलरली रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स भी है, रेडिसन ब्लू, नंबर ऑफ़ होटल्स देखो आप, तो ये भी अच्छा खासा इन्वेस्ट इंडिया में कर रही है ये कंपनीज भी. एकॉर करके होटल ग्रुप है, विच इज़ आइबिस, नोवोटेल, मर्करी, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं इनके होटल्स हैं. फिर हिल्टन ग्रुप, अगेन अ US बेस्ड कंपनी, फिर उसके भी हिल्टन, डबल ट्री बाय हिल्टन, हिल्टन गार्डन हिल, हैम्पटन बाय हिल्टन, और कॉनराड, यू पुणे में है कॉनराड. तो इस तरह के दे ऑल्सो हैव नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया. तो इंडियन कंपनीज जो हैं वो सिर्फ आपस में कम्पीट नहीं कर रही हैं, वो इन कंपनीज के साथ ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से कॉम्पिटिशन है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरियट स्पेसिफिकली. एक टाइम पे ऐसा था जो मैरियट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रूम्स थे, इवन हायर देन ताज होटल्स इन इंडिया. तो शायद अब जो है वो ताज ने ज़्यादा कर लिए हैं, बट काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन है नंबर ऑफ रूम्स में इन टर्म्स ऑफ ताज एंड मैरियट. तो आप सोचो ये अच्छा खासा पैसा वहाँ पर डल रहा है, और ये काफ़ी हाई ग्रोथ मार्केट है ओवरऑल ना होटल इंडस्ट्री इंडिया में. तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, टचअप करेंगे ये कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बट 12-14% का कैगर का ग्रोथ माना जाता है इस इंडस्ट्री का इंडिया में, तो विच इज़ वेरी फास्ट, राइट. और स्पेसिफिकली वहाँ के लोगों के लिए जो वहाँ पर, तो एक बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट है डेवलप्ड मार्केट्स में होटल सेक्टर. तो इंडिया में इतना फास्ट ग्रोथ, तो दैट्स वाई दीज कंपनीज आर ऑल्सो है. तो यहाँ पर ये भी कॉम्पिटिशन है, तो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अब अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे किसका रेवेन्यू किससे आता है, ठीक है, तो हमें ये समझना है कि देखो इंडियन होटल का 48% रेवेन्यू रूम से आता है, 35% फूड एंड बेवरेजेस से, तो मतलब रेस्टोरेंट्स हैं और सब चीज़ों से, एंड 17% दूसरी जगहों से. तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे उनके और भी चीज़ें हैं, स्पास वगैरह वो सब चीज़ें भी, तो 17% पैसा वहाँ से आता है. शैले होटल्स की जो बात की थी हमने, याद है ना, हाँ, तो 54% उनका रूम से आता है, 39% फूड एंड बेवरेजेस से, 7% दूसरा. ओबराय और ट्राइडेंट की जो बात की थी, 44, तो उनका 18% ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग, तो सिमिलर टू इंडियन होटल्स हैं उनका, तो काफ़ी सारे वो भी आई एम श्योर स्पा वगैरह ये सब चीज़ें करते होंगे. लेमन ट्री होटल मेजरली अर्न्स फ्रॉम रूम, वेरी लेस फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस. पता चलता है कि बिजनेस क्लास होटल्स ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस क्लास होटल्स में फूड एंड रेवेन्यू का पैसा ज़्यादा नहीं होता, ये मोस्टली ब्रेकफास्ट ही होता है, लंच एंड डिनर बहुत कम होता है. तो मोस्टली जो रिजॉर्ट्स टाइप के होते हैं या फिर जहाँ पर लोग लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं वहाँ पर फूड एंड बेवरेज ज़्यादा रहता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, आपको अलग लगता है तो बताना मुझे. तो फूड एंड बेवरेजेज में 14% ही है, एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम 10%. महिंद्रा हॉलीडेज बहुत डिफरेंट है, उसका सर 27% ही रूम रेवेन्यू आ रहा है डायरेक्टली, जो हम डायरेक्टली महिंद्रा हॉलीडेज के रूम बुक कर सकते हैं, या फिर जो लोग सब्सक्राइबर भी जा रहे हैं तो वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं रूम का बुक करने के लिए, तो उससे 27% आ रहा है. 17% फूड एंड बेवरेज, 56% अदर्स. तो अदर्स क्या है, उसमें वो सब्सक्राइबर, सब्सक्रिप्शन फीस एंड एवरीथिंग टुगेदर. तो काफ़ी डिफरेंट मॉडल आपको यहाँ पर आई एम श्योर पता चल रहे होंगे. अब हमने ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक साथ भी डाल दी है, ठीक है, इसमें कुछ बाहर की कंपनीज भी डाल दी हैं. तो इंडियन होटल्स के 250 नंबर ऑफ होटल्स हैं, 12 कंट्रीज़ में अलग अलग होटल्स हैं. तो इंडिया, इंडियन होटल सिर्फ इंडिया में नहीं है, आई एम श्योर आपने दूसरे सुनोगे, ताज, मालदीव वगैरह सब हैं. 22,000 रूम्स हैं ऑलमोस्ट ऑपरेशनल, ऑक्यूपेंसी 60-70% अगर एक एवरेज लें लास्ट 5 साल का. कोविड में काफ़ी डिक्रीज हुई, अभी भी मेरे ख्याल से 70% पे नहीं पहुंचा है, 57-58% पे हैं जहाँ तक मुझे लास्ट नंबर याद है, ठीक है. बट बिफोर कोविड इट वॉज मोस्टली बिटवीन 65% के आसपास रहता था. रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 6,000-7,000 रुपये एक रूम का पर डे दे अर्न. तो उससे आपको पता चलता है कि उसमें जिंजर भी है जो काफ़ी कम करता है आई एम श्योर, और ताज भी है जो काफ़ी ज़्यादा करता होगा पर डे, ठीक है.
एंड एवरेज रेवेन्यू रूम रेंट जो है 9000 से 12000 इनका एवरेज है. ऑब्वियसली एज आई सेड इसमें भी जिंजर से लेके वो है और डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स वो क्यूमिन सैलन सलॉन एंड स्पा एंड एवरीथिंग. ओबेरॉय ट्राइडेंट 30 होटल्स हैं, 7 कंट्रीज में हैं, 4500 के आसपास रूम्स हैं, 65-73% का सिमिलर ऑक्यूपेंसी है. रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम कम है थोड़ा, मतलब 5000 से 7000 है, 6000 से 7000 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एवरेज रूम रेंट उतना ही है. कैटरिंग एयरपोर्ट सर्विसेज और इनका भी एयरपोर्ट सर्विसेज कैटरिंग वगैरह है, IAH एविएशन वगैरह है. शैले होटल के साथ ही होटल्स हैं, इंडिया में ही हैं सारे तो बाहर नहीं है. 2500 के आसपास रूम्स हैं, 70-75% ऑक्यूपेंसी बेटर है, 5000 से 7000 रुपये पड़ हैं और 7000 से तो ओवरऑल रूम रेंट कम है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं दूसरी. लेमन ट्री के 85+ होटल्स हैं, 3 कंट्रीज में हैं, 8500 के आसपास रूम है, ठीक है, 3000 रेवेन्यू, तो ऑब्वियसली मोर प्रीमियमनेस कम है ओवरऑल एवरेज एज कम्पेयर टू अबव 3. दे आर ऑल मोस्टली 5-स्टार ब्रांड्स इनके साथ हैं, ये तो मैरियट वगैरह है, ये ओबराइज हैं और ये ताज है, राइट. बट इसका 3000 रुपये ही रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है. एवरेज रेवेन्यू रूम रेंट भी 3500 से 4500 रुपये ही है, तो ये मिड सेगमेंट, मिड प्रीमियम सेगमेंट में बेसिकली ऑपरेट करता है. महिंद्रा हॉलीडेज 100+ होटल्स हैं, 12 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है, 4600 रूम्स हैं, 80-85% की ऑक्यूपेंसी है, मच मच हायर ऑक्यूपेंसी देन अदर्स. वाई? बिकॉज सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्रिप्शन है. 2.5 लाख लोग तो ऐसे हैं जो पैसे पूरा दे चुके हैं, तो उनको तो हॉलीडे करना है, तो वो तो हमेशा ही सबसे पहले वही प्रेफर करेंगे ना. अब भाई मुझे अगर हॉलीडे करना है तो सबसे पहले, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो सबसे पहले मैं तो महिंद्रा में ही जाऊँगा ना, मैं थोड़ा जाऊँगा ताज में, मैं थोड़ा जाऊँगा मैरियट में. तो आई विल ऑलवेज प्रेफर दैट बिकॉज आई हैव दैट सब्सक्रिप्शन, तो आई एम गेटिंग वो जो भी डिस्काउंट वगैरह मिलेगा मुझे, या फिर बहुत सस्ते में मिलेगा या फ्री में मिलेगा, तो इसीलिए ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है. इवन इन कोविड टाइम इनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी थी, ठीक है, तो 80-85% की ऑक्यूपेंसी है इनकी, ठीक है. ITC होटल्स, तो इनका तो प्रॉब्लम क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का मेन इशू है, क्योंकि वहाँ से पैसा मेजरली आ रहा है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ वहाँ, वो मेन चक्कर है इनका. इनका चक्कर सब्सक्राइबर बढ़ गए, इनको पता है कि होटल तो चलता रहेगा अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी, उसमें टेंशन नहीं है इनको, तो बहुत अलग मॉडल है. ITC के 113 होटल्स हैं, 10000 से ज़्यादा रूम्स हैं. ऑब्वियसली वी डोंट हैव डेटा ऑन ऑक्यूपेंसी एंड रेवेन्यू, ये सब नहीं है क्योंकि वो अलग से उसका डेटा देते नहीं. मैरियट ग्रुप के 125 होटल्स हैं, आई एम टेलिंग यू उसके भी कुछ 20000 प्लस ही रूम्स हैं, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट नंबर मैंने देखा था. ऑक्यूपेंसी सिमिलर टू इंडियन होटल्स एंड IAH. रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इज़ हायर, 9000+, तो मोस्टली मोर प्रीमियम, ठीक है, एंड 12000 से 15000 का एवरेज रेवेन्यू रेट है, रूम रेट है, ठीक है. तो मैरियट इज़ मोर प्रीमियम एक्चुअली, क्योंकि इनका तो ऑब्वियसली जिंजर वगैरह में अच्छे खासे नंबर ऑफ होटल्स है ना, तो उस वजह से इनका वो कम हो जाता है, बट दे डोंट हैव दैट. एकॉर मेरे को लगता है कि ये लेमन ट्री के आसपास का उस मतलब उस टाइप के होटल्स हैं. 48 होटल्स, 110 कंट्रीज में दे हैव प्रेजेंस, नॉट 48, ये तो सिर्फ इंडिया के हैं, ओवरऑल तो बहुत सारे होटल्स हैं इनके. 60-70% का ऑक्यूपेंसी, 5000 से 5500 का रेव पर है और 4000 से 7000 का रेवेन्यू पर है, तो थोड़ा सिमिलर, थोड़ा प्रीमियम है, लेमन ट्री से थोड़ा ज़्यादा है, बट है उस टाइप से. हिल्टन आई थिंक मोर प्रीमियम अगेन, 8000 से 9000, 7000 से 10000 के आसपास, 17-25 होटल्स हैं इंडिया में हिल्टन के. तो इस तरह से यू कैन सी कि वेयर द होटल सेक्टर करेंटली. आई होप दिस स्लाइड हेल्प्स यू अलॉट, ठीक है. अब 5 कंपनी जो हमने सेलेक्ट, मतलब हमारे पास हैं, तो उसका कितना रेवेन्यू था इन 2020, ये TTM नंबर्स हैं सारे, ठीक है. तो रेवेन्यू इन करोड़, 5000 करोड़ रेवेन्यू था इंडियन होटल का, इनका 2500 करोड़ था, इनका ये था पैट 749, इनका सिर्फ 75 करोड़ का पैट था महिंद्रा हॉलीडेज़ का, मेजरली बिकॉज इनका काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है, अच्छा आई थिंक ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू यूरोप की सब्सिडरी से आता है इनका, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दे हार्ड फेसिंग सम इश्यूज, तो इसकी वजह से इनका रेवेन्यू थोड़ा सा सबड्यूड था, बट IAH एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल. मार्जिनस, TTM मार्जिनस इसके काफ़ी अच्छे थे, मोस्टली सभी के अच्छे हैं, इनके कम हैं थोड़े बिकॉज ऑफ द रीजंस. डी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आप देख सकते हैं, मोस्टली सभी के हाई थे, बस इंडियन होटल्स और IAH के ही काफ़ी कम है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ दीज टू कंपनीज आर प्रेटी लो, ठीक है. तो ये थोड़ा सा टेंशन है, इन दोनों का डेट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी आई थिंक इट्स स्टिल मैनेजेबल. महिंद्रा हॉलीडेज का मॉडल काफ़ी डिफरेंट है, तो उसका डेट वगैरह मेरे को लगता है थोड़ा डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होना चाहिए, बट इन दोनों का, शैले और लेमन ट्री का डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वी शुड बी कंसर्न अबाउट इट, ठीक है. तो ओवरऑल जैसा मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनलाइन कैगर होटल इंडस्ट्री का 10% के आसपास का कैगर एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का, एंड विद दिस G20 एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर अगर आप देख रहे होंगे तो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी बीच में कि
दिल्ली में जब मैच था इंडियन क्रिकेट टीम का, तो दे कुडंट गेट द होटल विच वी दे यूज टू लिव मोस्टली बिकॉज द G20 चल रहा था. तो ये सब चीज़ें तो उनको शिफ्ट करना पड़ा, मतलब एक नाइट दो नाइट एक जगह रुके, फिर देन दे हैव टू शिफ्ट. तो होटल सेक्टर इंडिया में इज बाउंड टू इंक्रीज एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज द बिजनेस एक्टिविटी, एंड एज द टूरिज्म कीप्स ऑन इंक्रीज, एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. ठीक है, हर चीज़ टूरिज्म भी इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है. तो उन सब की वजह से होटल सेक्टर जो है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, रोड्स इंप्रूव हो रही हैं, तो होटल्स अच्छे चाहिए ही होंगे, राइट. तभी उनका बेनिफिट, हम जब दूसरी जगह जाएंगे तो वी नीड टू हैव गुड होटल्स. एंड मैं खुद US में रहा हूँ 2 ईयर्स में, तो एवरी आई एम टेलिंग यू एवरी 1-1.5 माइल वहाँ पर, माइल का सिस्टम है, तो 2-3 किलोमीटर में आपको एक होटल, अच्छा खासा होटल, एक जैसे यहाँ पर लेमन ट्री है इस टाइप के, एक मिड सेगमेंट का होटल रहता ही है वहाँ पे, हर जगह पे है वहाँ पे. ठीक है, मतलब शायद ही कोई ऐसी आपको 1-2-3 किलोमीटर का रेडियस मिलेगा जहाँ पर कोई होटल नहीं हो. ठीक है, मतलब स्पेशली इफ नियर हाईवेज एंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू. तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ होटल्स है, तो आई एम श्योर वी विल ऑल्सो रीच दैट लेवल, एंड दैट्स वाई देर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नीडेड. और ये बहुत फास्ट ग्रो होने वाला सेक्टर है, एंड डेफिनेटली मोर देन द GDP ऑफ इंडिया ये ग्रो होगा. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम प्रपोज्ड भी करें देखें तो सारी चीज़ें जो काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ होटल रूम्स का जो है एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो इंक्रीज़ होंगे, स्पेशली मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, राइट, गुड़गांव में, ठीक है, नोएडा में. तो बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगर हम ओवरऑल देखें. और इन 5 कंपनीज़ का भी जब मैंने अर्निंग कॉल्स सुने, राइट, तो देन आई अंडरस्टूड कि इन सबके जो प्लान्स हैं एक्सपेंशन के, तो दे आर वेरी क्लियर कि 250 से 300 होटल्स करना है 2025 में. तो 50 होटल ऐड करने हैं इंडियन होटल्स को, ठीक है, एंड उसमें से जिंजर जी है उसके 125 होटल हो जाएंगे. आमा स्टेज एंड ट्रेल्स जो कि इनका एक रिजॉर्ट टाइप का है, उसके ही 500 प्रॉपर्टीज़ दे आर प्लानिंग, मतलब हॉलीडे होम्स टाइप जो है. ठीक है, तो एसेट लाइट और जो है ओन प्लस मैनेज होटल, दे डोंट वांट टू ओन एवरीथिंग. तो उनका ये सिस्टम है कि भाई हम 50% ओन करेंगे, दूसरा जो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे शैले करता है. शैले क्या करता है, होटल बनाता है, दूसरे से ब्रांड लेता है. तो ये दे वांट मोर शैलेज लाइक दैट, कि ऐसे प्लेयर्स मिल जाएं जो होटल बना रखा हो जिनका, उनका हम मैनेज करेंगे उनको. तो इस थॉट से ये काम कर रहे हैं. EIH जो कि ओबराय अगेन, तो दे आर प्लानिंग 48 रूम्स होटल इन राजगढ़, दे आर प्लानिंग बांधवगढ़, 24 कीज, 25525 काठमांडू में, दे आर प्लानिंग सऊदी में, दे आर प्लानिंग, ठीक है, तो काफ़ी सारे होटल्स ट्राइडेंट तिरुपति में दे आर प्लानिंग, ओबराय गोवा दे आर प्लानिंग. तो काफ़ी सारे नए नए होटल्स दे आर प्लानिंग, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ, मतलब दे हैव टोल्ड कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इतने सारे होटल्स हमारे आ रहे हैं. शैले, ठीक है, कमर्शियल टावर्स में तो है ही वो काफ़ी सारे, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग 88 रूम्स. नोवोटेल पुणे में, ठीक है, 2020 में ही अभी ही होने वाला है. 5-star होटल एट टर्मिनल 3 दिल्ली में दे आर प्लानिंग ऑलमोस्ट 400 रूम्स का FY26 में, और किसके साथ टाइप होगा वो देखेंगे वो. तो एक और वेस्ट इंड प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है. तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ होटल्स यू कैन सी, ठीक है, विच दे आर बेसिकली प्लानिंग टू बिल्ड. अगेन लेमन ट्री 20 मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 1400 रूम के पाइपलाइन में हैं इनके, ठीक है. होटल्स 109 जो है दे वांट टू इंक्रीज, 10,000 से ज़्यादा दे वांट टू इंक्रीज दैट होटल्स, ठीक है. फ्रॉम महिंद्रा हॉलीडेज दे आर प्लानिंग, अभी इनकी 4700 कीज़ हैं, मतलब 4700 रूम्स ऑलमोस्ट ही मैनेज करते हैं, उसको 5500 करना है, 800 नए रूम्स दे वांट टू बिल्ड इन वेरियस होटल्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स बेसिकली, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, तो दे आर लॉट ऑफ एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग इन दिस सेक्टर, ठीक है. तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बट रिस्क आपको समझने हैं कि डेट का रिस्क है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, कोविड टाइप के इश्यूज और इस टाइप के इश्यूज होपफुली आगे नहीं आएंगे, बट ये हमेशा ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट, कि कुछ भी इस तरह का आ गया. थोड़ा सीजनल बिजनेस होता है ये, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, ठीक है. स्पेसिफिकली जो रिजॉर्ट बिजनेस है जैसे महिंद्रा हॉलीडेज का है, ठीक है, तो बिजनेस जो है वो फिर भी ठीक रहता है, बट बिजनेस होटल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता. बट जो हॉलीडे होटल्स हैं वो थोड़े सीजनल होते हैं, तो जैसे एग्जाम्स में नहीं चलते हैं, राइट, बट गर्मियों की छुट्टियों में बहुत अच्छा चलते हैं. तो इस तरह से भी ये थोड़े बिजनेसेस रहते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी हाई, बट द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो नॉट लो, ठीक है. तो देर आर लॉट ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स विच आर वेरी वेरी फोकसिंग ऑन इंडिया, एंड वी कैन सी क्लियरली सी दैट. तो वहाँ से भी कॉम्पिटिशन आएगा, ठीक है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, तो कुछ भी इशू होता है कभी भी, कुछ भी, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, तो इन सब पे काफ़ी ज़्यादा ये सब इम्पैक्ट होते हैं,
ठीक है ना, तो वो भी चीज़ें हमें रिस्क हमेशा समझनी चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस. ठीक है, होटल सेक्टर आई थिंक इन इंडिया. दैट्स वाई आई थॉट कि आई विल गिव अ ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंड कि ये सब कंपनीज अलग अलग कैसे बहुत अलग है. ठीक है, तो वो चीज़ें हमें समझ काफ़ी बार नहीं आती. सबको लगता है कि नहीं सब सिमिलर है, नहीं, बहुत अलग कंपनीज हैं, बहुत अलग तरह से काम करती हैं. ठीक है, बहुत डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है समझनी. तो दैट इज़ ऑल. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. काफ़ी रिसर्च और ये एनालिसिस डेटा सब ढूंढ के करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कौन से होटल्स हैं, घूमने के हिसाब से हेल्प हो जाएगी. ठीक है, कि कौन से होटल्स ऑप्शंस हैं हमारे पास और कौन कौन से लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी के होटल्स में घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि पब्लिक को भी पैसा मिलता है. ठीक है, दैट इज़ ऑल आई हैव. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद.